So what's up techies and gamers, और अभी हम आ गए हैं 2024 के जनवरी में। अब जनवरी का मतलब होता है कि भाई हमेशा हर साल एनवीडिया अपना CES इवेंट करता है, और जिसमें जो है वो काफी काफी नए टेक्नोलॉजीज और नई चीजों को लॉन्च करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस बार का CES जो कि एक घंटे का हुआ था, उसमें काफी सारी चीजें लॉन्च हुई है। तो इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको ब्रीफली बताऊंगा कि यार एनवीडिया CES 2024 में क्या देखने को मिला बेसिकली। तो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। देखो, जैसे ही सबसे पहले एनवीडिया का CES इवेंट चालू हुआ, तो बेसिकली पूरा CES इवेंट सबसे पहले बेस्ड था AI के ऊपर, कि कैसे AI का यूज करके जो है एनवीडिया अपनी चीजों को मतलब वापस से हाई परफॉर्मेंस पे ले जा रहा है, और कैसे जो है चीजों को आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस CES 2024 में फोकस किया गया NLP के ऊपर। जी हाँ, NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, जिसपे जो है आपके इन गेम कैरेक्टर जो NPCs होते हैं, आप उन NPCs से जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उन NPCs से जाके बात कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा, बेसिकली आपका जितना भी NPCs का डेटा वगैरह वो सब क्लाउड पे पड़ा रहेगा, और ये सारा NVIDIA का हाइब्रिड AI क्लाउड से कनेक्टेड रहेंगे। जैसा कि कोई NPC है गेम में, ठीक है, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कुछ पूछा तो वो मुझे एक जेन्युइन आंसर देगा, या फिर आप उससे आप कुछ भी एक नॉर्मल टॉक कर सकेंगे बेसिकली। ठीक है, जैसा कि अभी हमें एक शॉर्ट वीडियो में देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल एवेटार्स टू लाइफ विद जनरेटिव AI। Here at CES, we are announcing ACE Production Microservices for audio to face and automatic speech recognition. Available now, each model can be incorporated by our developers individually into their own pipelines. Our latest collaboration is with Convey, a developer platform that enables easy integration of GenAI-powered game characters. Convey's platform features a set of tools and APIs to create character personas and enable dynamic conversations leveraging the new NVIDIA audio to face and Riva microservices. The latest features from Convey enable real-time character-to-character interaction, scene perception, and actions. Let's take a look. The cool thing is, the conversation's different every time. Quirky is one word for it, Jin. I think we're just too real to be anything but flesh and blood. You're not wrong, Jin. Sometimes I wonder if we're all just part of some elaborate cybernetic dream. If we were AIs, Kai, long time no see. You've been hiding in the shadows, or have you just been trying to avoid me? Hey Nova, it's good to see you. I haven't been trying to avoid you, just been super busy. With Convey's latest framework, game characters can now interact with the scene by fetching objects and So basically, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यार कैसे जो है हमारा जो बंदा है NVIDIA का वहाँ पे बैठा है, वो NPCs से normal बात कर रहा है Cyberpunk के अंदर, और NPCs जो है वो उससे normally बात कर रहे हैं। तो इस type का जो technology gaming के अंदर एक बहुत बड़ा leap लेके आने वाले basically, क्योंकि आपका text और voice को AI में convert करके और उससे वापस बात करना, उसको एक basically मतलब आप देख लो kindly उसको एक brain ही दे रहे हो आप, ठीक है, NPC को आपसे बात करना या फिर टॉक करना, तो ऐसी जो चीजें हैं वो गेमिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाने वाली है। सेकंड चीज में बात करूं, आपके एनवीडिया CES ने काफी सारे जो है लैपटॉप्स लॉन्च किए ASUS के साथ पार्टनरशिप करके, ज़फायरा सीरीज हो गई, ये हो गई, जिनमें जो है आपके हायर एंड 4000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आए। अब ग्राफिक्स कार्ड की बात मैंने कर दी, तो जी हाँ, यहाँ पे आपके एनवीडिया ने मेजरली यहाँ पे दो या तीन ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किए बेसिकली। उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि अगला वीडियो आएगा चैनल पे, आपका 4080 सुपर, 4070 Ti सुपर एंड 4070 सुपर जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तीनों अच्छे कार्ड से डिटेल आपको वीडियो डिटेल जो है इन कार्ड्स के बारे में आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद इन्होंने आपका फोकस किया है AI इमेज जनरेशन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली अब ये इमेज जनरेशन वगैरह क्या है कि जैसे आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ लिखने के बाद उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे कि वैसे सेम इमेज जो है आपका एनवीडिया का जो AI वो पर्टिकुलर इसमें वर्क कर रहे हैं वो आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद इन्होंने चैट GPT की जैसी और सर्विसेज स्टार्ट किए, चैट विद RTX, ठीक है, जिसमें जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप उससे कुछ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे आप चैट GPT से करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा CES 2024 में आपका रहा DLSS 3.0। अब गाइस, DLSS 3.0 टोटली AI बेस्ड, ठीक है, AI बेस्ड, यानी कि गेम को ऑप्टिमाइज और गेम और आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को चेक करके ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन को रेंडर स्केल अप डाउन करके जो है आपको काफी सारे FPS प्रोवाइड करेगा, और ये जो है बहुत सारा टेक्नोलॉजी आने वाला है। जैसे कि कुछ बेंचमार्क्स NVIDIA ने दिखाए थे कि यार DLSS 2.0 आप यूज करें 3000 सीरीज पे और 4000 सीरीज पे, अगर DLSS 3.0 का यूज कर तो ऑलमोस्ट आपका 50, अगर जैसे GTA 5 में 50 FPS DLSS 2.0 में आ रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल बोल रहा हूं, तो आपका GTA 5 में ही DLSS 3.0 पे 101 FPS आएंगे। तो भाई इतना कुछ गैप देखने को मिल रहा है DLSS के अंदर, तो भाई बहुत सही चीज है। देखो, अब जैसे नए कार्ड्स के साथ ये जो DLSS के सेम डे जो है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आउटडेट कर दिया जाएगा,
तो आप जाकर जो है जरूर जो है चेकआउट कर सकते हो। और काफी सारे जो है फीचर्स आपके एनवीडिया के कार्ड्स में ऐड हुए हैं। बेसिकली वर्क स्टेशन के लिए काफी सारे कार्ड्स निकले हैं। और देखो वर्क स्टेशन और एआई के ऊपर ज्यादा काम किया एनवीडिया ने। डेस्कटॉप कंज्यूमर्स के लिए इस बार इतना कुछ ज्यादा खास नहीं आया, सिर्फ 3 कार्ड्स लॉन्च किए। और वो भाई यार मतलब वो पता था कि एनवीडिया इस साल जो है स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ लॉन्च नहीं करेगा, बट एंड ऑफ द ईयर देखते हैं कि भाई आपको और एनवीडिया क्या क्या प्रोवाइड करता है। वेल गाइस ये जो सारा एक ब्रीफली वीडियो मैंने जो है आपको बना के दिखा दिया कि एनवीडिया सीईएस 2024 में क्या हुआ था। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करें, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।